हेलो गाइस, वीके कोचिंग साइंस सेंटर के सभी सब्सक्राइबर को बहुत स्वागत है। आज हम आपको वीके कोचिंग साइंस सेंटर के एक खूबसूरत और सबसे मेन ब्रांच में लेकर के आ गए हैं। हम आपको यहाँ की खूबियाँ दिखाएंगे ये कि कैसा क्लास है, आप अपने बच्चों को कैसे यहाँ भेज सकते हैं ताकि वो अपना उज्जवल भविष्य यहाँ बना सके। सबसे पहले देखिए, ये मेन गेट है वीके साइंस कोचिंग सेंटर का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये मेन गेट है जहाँ पर आपको एक नोटिस बोर्ड और सभी क्लासेस के देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये मेन एंट्रेंस है, आपको देख हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसा है ये वीके कोचिंग साइंस सेंटर। सबसे पहले हम इंटर करते हैं रिसेप्शन एरिया में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी इसको जो है बेहतर तरीके से बनाया गया है, रखा गया है। जैसे ही आप इंक्वायरी के लिए आते हैं, सबसे पहले आपको सिटिंग एरिया मिलता है जहां आप बैठ करके इंक्वायरी कर सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि वन टू वन इंक्वायरी है जहां आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि ये पूरा एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ दूसरे एरिया में भी इंक्वायरी जो है वो आप ले सकते हैं, एडमिशन से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ जो भी आपकी इंक्वायरी है वो आप ले सकते हैं। टीम जो है यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती है, आप किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में। और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ये पूरा आपको मेन गेट के साथ जैसे ही आप इंटर करते हैं, ये पूरा क्लासरूम, ये पूरा आपको रिसेप्शन एरिया का व्यू आपको मिलता है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। सिटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। अब हम आपको चलिए अंदर लेकर के चलते हैं, क्लासरूम्स दिखाते हैं कि कैसा वीके साइंस कोचिंग सेंटर का क्लासरूम है। इस तरफ से आप सबसे पहले आते हैं तो आप रिसेप्शन एरिया, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। अगर आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाता है, जो कि आपको कराना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो आपको व्यू है वो बहुत ज़्यादा पूरे उलवे में सबसे बेस्ट ये कोचिंग सेंटर है। और ये आपको सबसे पहले एंट्रेंस मिलता है, एंट्रेंस के साथ जो पहला क्लास है यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन गेट यहाँ पर है। और मेन गेट के साथ आप जैसे ही इंटर करेंगे, हम आपको सबसे पहले क्लासरूम का व्यू देना चाहेंगे। काफ़ी खूबसूरत क्लासरूम है, एसी भी लगे हुए हैं ताकि आपको बच्चों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। बोर्ड है यहाँ पे, क्लासेस हालांकि अभी नहीं शुरू हुई है यहाँ पे, मतलब अभी मॉर्निंग का समय है तो बंद है। ये देखिए, ये बच्चे यहाँ पर बैठ करके जो है ये पूरा व्यू ले सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया है, जो 95-98% उन्होंने 10th में लाया है। एसी की सुविधा है, एसी की फैसिलिटी है, सभी क्लासेस में एसी की फैसिलिटी यहां पर दी गई है। और ये पूरा क्लासरूम है अपना, काफ़ी सुंदर क्लासरूम है। ये देखिए, आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्लासरूम के बाद हम आपको लेकर के चलते हैं, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ की स्पेस देखिए, और सभी कोचिंग्स में आप स्पेस देखेंगे कि बहुत छोटा स्पेस होता है ताकि कंजेस्टेड तरीके से बच्चों को बैठाया जाता है। लेकिन अगर हम इस कोचिंग सेंटर वीके साइंस कोचिंग सेंटर की बात करें तो इसका पूरा एरिया जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा है। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे क्लास में। ये हमने पहला क्लास आपको दिखा दिया, इसको अब हम बंद कर देते हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे क्लास में। आप देखिए कि सभी जगहों पर जो लगाई गई हैं चीज़ें वो काफ़ी किफ़ायती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पंखे के साथ एसी भी है, ये क्लास नंबर 2 है। और ये देखिए कि ये भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। स्पेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेस की बात करें तो स्पेस जो है वो बहुत मायने रखता है, ताकि आपके बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट करता है। क्योंकि हर पेरेंट्स का एक होता है कि बच्चों को कहीं कंजेस्टेड तरीके से तो नहीं बैठाया जा रहा है, बच्चों को दिक्कत के साथ तो नहीं बैठाया जा रहा, लेकिन यहाँ वीके साइंस कोचिंग सेंटर में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये दूसरा क्लास है, एक पहला क्लास हमने आपको दिखाया, ये दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास के साथ
ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये भी स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, और सिटिंग कैपेसिटी की भी बात करूँ तो एक बेंच पर अगर बच्चे हैं तो दो बच्चे ही बैठते हैं, नहीं तो फिर एक एक बच्चे जब टेस्ट होता है तो एक एक बच्चे करके बैठाया जाता है। और ये देखिए ये बैठने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, और अगर लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी इस बेंच में बहुत ज़्यादा है। अमूमन और क्लासेस में आप देखेंगे कि बच्चों को बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इस कोचिंग सेंटर में सबसे बड़ी खासियत जो है, मुझे जो अच्छी लगी वो है स्पेस। ताकि आप जब पढ़ाई करते हैं, आप जब अपना ध्यान अपने भविष्य के लिए लगाते हैं, तो आपको और किसी तरह की कोई समस्या ना हो, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। और ये एक एरिया हो गया। अब हम आपको और भी क्लासेस दिखाते हैं। ये दूसरा क्लासेस, ये अपना हमारा वॉशरूम हो गया आप, और ये हमारा स्टेयर है, आप इससे चढ़ के हमारे साथ दूसरे क्लासेस पर अब हम चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है जो मैंने आपको दिखाया, नीचे में दो क्लासेस चलते हैं। अब हम आपको सीढ़ी के ज़रिए, आप देखिए कि सिक्योरिटी रीज़न से भी यहाँ सभी चीज़ें लगाई गई हैं। अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो वो भी चौड़ी हैं, ताकि बच्चे जब, हालांकि बच्चे थोड़े से होते ही हैं, छोटे बच्चे शरारती होते हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो आराम से उतर सके। तो आपने नीचे का पूरा एरिया देख लिया, क्लासेस हमने आपको दिखाए, नीचे टोटल दो क्लासेस हैं, और अब हम ऊपर के एरिया में आ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो पूरा कोचिंग है वो बहुत बड़े एरिए में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि एक पूरा हॉल आपको दिख रहा होगा। और ये क्या है, कैसे ये बन रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें और आपके बच्चों को सुविधाएँ मिलेंगी, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस कोचिंग में लगातार शुरू से जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये अब हमको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बताएं आप कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप देने वाले हैं बच्चों को, और ये पूरा एरिया क्या है, कैसे आप इसको डेवलप कर रहे हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 क्लासरूम्स है, जो कि काफ़ी बड़े साइज में है। एंड ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एक प्रैक्टिस हॉल बनेगा, जो बच्चों के लिए, सारे बच्चों का क्लासरूम से निकल कर एवरीडे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस हॉल में बैठेंगे, जिसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप लगने वाला है। अभी सेटअप ऑलरेडी काम हो चुके हैं कम्प्लीट, तो अभी एक दो दिन में पूरा सेटअप लग जाएगा हमारा। सारे क्लासेस में स्मार्ट पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, स्मार्ट पैनल्स लगे हुए हैं सारे क्लासरूम्स में हमारे, एंड जिससे कि बच्चे को पढ़ने में आसानी होती है, काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं बच्चे उसके तरफ। और बेसिकली जो बच्चे के क्लासरूम्स होते हैं, सभी बच्चे क्लासरूम से निकल के प्रैक्टिस हॉल में बैठना और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे बेसिकली। चलिए अभी हम आपको एक क्लास का व्यू दिखाने जा रहे हैं, तो आइए हम आपको फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा बेसिकली ये हमारा क्लासरूम फर्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 1। हर क्लास में आपको एसीज लगे हुए मिलेंगे, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्लास है, जिसमें बेसिकली क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बच्चे बैठते हैं। एंड अभी हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको बाहर से व्यू मिल जाएगा, यहाँ से हम स्टेशन के जस्ट नियर बाय में, यहाँ से भी आपको स्टेशन दिखाई दे देगा। तो जस्ट या बामन डोंगरी स्टेशन से जस्ट 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। ये हमारा क्लास फर्स्ट क्लास है। देन अभी हम आगे बढ़े तो आगे हमारा सेकेंड क्लास है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। एंड यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, सभी ऑनलाइन सेटअप्स हैं हमारे पास। सो ये हमारे बेसिकली ये हमारा सेकंड क्लासरूम्स है। यहाँ पे एक्चुअली जो बड़े बैचेस हैं, यहाँ पे सभी बेंच पे एक सिंगल स्टूडेंट्स बैठते हैं। टोटल यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, एक क्लास में मैक्सिमम हमारे 15 स्टूडेंट्स बैठते हैं। हाँ, बेसिकली एक बेंच पे अभी सिंगल स्टूडेंट्स से हम लोग बैठाते हैं। हाँ, और हर क्लास में आपको एसीज लगे हुए मिलेंगे। बेसिकली ये हमारा पूरे क्लास का व्यू है एक, और हर क्लास में भी स्मार्ट पैनल्स लगने वाले हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। और आगे बढ़े तो इधर हमारे पास ये हमारा थर्ड क्लासरूम से, तो आगे बढ़े तो ये हमारे पास हमारा थर्ड क्लासरूम से, क्लासरूम नंबर 3। ये भी आपको सेम मिलेंगे विद 15 स्टूडेंट्स कैपेसिटी। या
15 बच्चे यहाँ बैठ सकते या हमारा एक बैच मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स के रहते हैं हमेशा, और सारे टीचर्स वगैरह सारे क्वालिफाइड मिलेंगे आपको यहाँ पे। और आगे बढ़े तो हमारे पास ये हमारा बेसिकली प्रैक्टिस हॉल रहेगा बच्चों के लिए, ये पूरा प्रैक्टिस हॉल रहेगा। सामने में एक यहाँ पे एक स्मार्ट पैनल्स लगेंगे, यहाँ सारे बेंचेस लगेंगे, सभी बच्चे बेसिकली जो हमारा लेक्चर्स होते हैं सभी क्लासेस के 3 to 4 hours के लेक्चर रहते हैं, और क्लासेस के सभी बच्चे 2 hours के लेक्चर अटेंड करके देन क्लासरूम से निकल के प्रैक्टिस हॉल में बैठेंगे। इसी क्लासरूम से क्लास खत्म होने के बाद बच्चे यहाँ से निकल के सभी बच्चे प्रैक्टिस हॉल में बैठते हैं, और वहाँ पे बैठ के उनको सारा होमवर्क वगैरह कंप्लीट करना होता है बेसिकली क्लास में ही। और यहाँ से आपको अगर सामने का व्यू दिखाए तो ये क्लासरूम से अच्छा व्यू आता है बाहर का भी, जहाँ से आपको स्टेशन भी दिख जाएगा एंड सामने स्कूल्स भी है, रेडक्लिफ स्कूल या ये या सारे क्लासेस हमारे बड़े स्पेस रहेंगे। एंड बेसिकली ये एक और क्लासेस है यहाँ पे जो ये भी काफ़ी बड़े साइज में है, हर क्लास में आपको एग्जॉस्ट विंडो रहेगा या डेवलप हो चुका है और क्लासेस यहाँ पर पहले से ही चलती है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये पूरा एरिया अभी बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे रिसेप्शन है, एक टीचर यहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगी, और ये पूरा एरिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पूरे एरिए में जो है ये प्रैक्टिस के लिए बच्चे जब अपना टेस्ट देंगे, बच्चे जब बैठेंगे तो ये पूरा बड़े से एरिया में यहाँ पर बच्चे जो हैं बैठ करके अपना टेस्ट कर सकते हैं, या फिर वेटिंग एरिया कहिए, ये तमाम चीज़ें हों। सभी क्लासेस में स्मार्ट पैनल जो हैं वो आ चुके हैं और लगेंगे, कई क्लासेस में लग भी चुके हैं। ये देखिए यहाँ भी जैसे मैंने नीचे आपको एक वॉशरूम दिखाया था, यहाँ भी दो दो वॉशरूम हैं, और अमूमन इस तरह के कोचिंग में आपको वॉशरूम जो है वो नहीं मिलती है जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको तीन तीन वॉशरूम जो है ये आपको मिलेगा, सुविधाएँ मिलेंगी, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत आपके बच्चों को यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्लासेस का टूर मैंने आपको दे दिया, दिखा दिया, लगभग यहाँ पर 7 क्लासेस हैं और आप नीचे में 2, यानी कि टोटल 9 क्लासेस जो हैं इस पूरे कोचिंग्स में है। ये पहला एक सेंटर है, और भी BK साइंस कोचिंग सेंटर के कई ब्रांचेस हैं जिसका अलग अलग वीडियो मैं आपको दिखाते रहूँगा, हम बनाएंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल BK साइंस कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई बातें हम आपको दिखाएंगे, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हम आपको बताएंगे, भविष्य में आप कैसे बेहतर बन सकते हैं, और सबसे ख़ास बात जो बच्चे यहाँ टॉप करते हैं उनका इंटरव्यू सेशन लेकर के हम अपने चैनल में आते हैं, और भी आएंगे, लेकिन ये एक टूर था हमारे एक सेंटर का जो कि मेन सेंटर है, सिद्धि विनायक में है ये, और इसमें हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। आप नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो देख करके पसंद आया, आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि आप उलवे नहीं नवी मुंबई के सबसे टॉप कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद ये चाहते हैं कि आपके बच्चे यहीं बैठ करके पढ़ाई करें, तो जो नीचे इस वक्त नंबर चल रहा है आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आप हमारे पास इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं और बेशक आपके बच्चे यहीं पर पढ़ाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा लेटेस्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। और चलते चलते अपना बहुत ख्याल रखिए, और एक बार इंक्वायरी के लिए ज़रूर आइए।